हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज हम बात करने वाले कुछ और। आखिर आप भी पाना चाहते हैं आईटी लेवल के बेसिस पे जॉब? आपको पता है कि आईटी लेवल की जो पीपल्स हैं वो थोड़े कम है, लेकिन उनके लिए जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ऑफकोर्स उनके पैकेज भी बहुत रहते हैं। जो लोग रहते हैं आईटी आईएम जो करते हैं, ऑफकोर्स उनके पास नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा होता ही है और उनके पास उतना ही वर्कलोड भी होता है। वो वर्कलोड के हिसाब से वो उनको वो जॉब मिलता है। सीरियसली, आप भी वो जॉब पा सकते हैं, लेकिन आपको भी उतनी थोड़ी सी कुछ मेहनत करनी होगी। और एक बात बता दूँ, जो लोग अभी भी वर्क करते हैं उनके पास भी नॉलेज है। आपको उनको पता है कि उनके पास वो लेवल का नॉलेज है, लेकिन वो लेसर पे काम करते हैं कुछ अलग कंपनी में। उनको पेमेंट थोड़ी कम मिलती है उनके पास उतना नॉलेज होकर भी, क्योंकि उनके पास वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं रहता, क्योंकि उनके पास वो पर्टिकुलर टैग नहीं रहता जो आईआईटी से मिलता है। इसी कारण लोग काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है गाइस, अगर आप भी फ्रेशर हैं, आप भी जॉब पाना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ भी 0% एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होंगी। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक फ्रेशर हूँ। कंपनीज में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से अगर अप्लाई कर रहे हैं, डेट इज़ द नौकरी डॉट कॉम, लिंक्डइन, इससे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बार 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 बार, आपके रिज्यूमे वहाँ पे अपलोड तो होंगे, लेकिन कोई देखने वाला है नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हज़ारों रिज्यूमेस पड़े हुए। ऐसे जस्ट फिलअप करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जस्ट आपका वेस्टेज ऑफ टाइम जा रहा। सिर्फ आप जैसे उनके लिए वेट करें, लेकिन आपका कोई भी वहाँ पे उपयोग नहीं हो रहा है। तो फिर आपको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो ऐसा प्लेटफॉर्म कि आपको वो लेवल तक पहुँचा सके। गाइस, मैं आपके लिए वो एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप तुरंत ही तुरंत जॉब पा सकते हैं, बस आपके स्किल्स के बेसिस पे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत पे आपको उस लेवल का जॉब आराम से मिल सकता है। गाइस, इसी कारण आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके स्किल्स के बेसिस पे आपको जॉब मिलेंगी, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है रिलेवल बाय अनएकेडमी। यस गाइस, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी एक टेस्ट होंगी, वो भी फ्री में होंगी, क्योंकि अब तक यहाँ पे आपको पे करना पड़ता था, दैट इज 2000 रुपीज़। जहाँ से आप 2000 रुपीज़ अगर आप वो पे करते होंगे, अगर आप वो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाते होंगे, दैट इज 700 एंड अबो, देन आपको जस्ट सीधे सीधे इंटरव्यूज के लिए कॉल आते जाएंगे। बट राइट नाउ रीलेवल ने आपके लिए प्लेटफॉर्म फ्री कर दिया है। आपको बस एक रेज्यूमे टाइप थोड़े वीडियो बनाना होगा और जस्ट आपको एक टेस्ट देनी पड़ेगी। यस, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन एंड ऑल, ईच एंड एवरी थिंग। जस्ट स्टे हियर एंड वॉच द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गो टू द वेबसाइट, दैट इज www.relevel.com। आप उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रजिस्टर फॉर फ्री, यहाँ पे एक बटन है, जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको तीन फील्ड दिखाई दे रहे हैं, दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट एंड बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट। चूज हियर वेर यू हैविंग द नॉलेज। ओके, यहाँ पे अगर आपको बिजनेस में नॉलेज हो तो फिर आप बिजनेस चूज कीजिए, और यहाँ पर अगर आपको फ्रंट एंड में नॉलेज हो तो फिर आप फ्रंट एंड चूज कीजिए, या फिर आपको बैक एंड में नॉलेज है तो फिर यहाँ पे बैक एंड में जस्ट चूज कीजिए। ओके, आई एम चूजिंग हियर द बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट बिकॉज आई एम हैविंग द इंटरेस्ट विद इन इट। एंड आफ्टर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट देयर द स्टैक फॉर द टेस्ट। ओके, अगर आपको पाइथन बहुत अच्छे से आता है, अगर आपको डीप में नॉलेज हो तो फिर पाइथन, फिर जावा या फिर पाइथन, जावा या फिर नोट जेएस। ओके, सो दे विल प्रोवाइड अस द थ्री लैंग्वेजेस, पर्टिकुलर थ्री लैंग्वेजेस, जस्ट यहाँ पे चूज कीजिए एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स ऑन। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स, फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लॉग इन फ्रॉम हियर। सो वी हैव टू प्रोवाइड देयर द मोबाइल नंबर। सो फॉर द लॉगिंग पर्पज यू हैव टू राइट देयर द मोबाइल नंबर एज वेल एज द ओटीपी वेरिफिकेशन। आफ्टर दैट यू हैव टू चूज हियर द स्टैक। ओके, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, अगर आपको जिसमें डिटेल नॉलेज है, तो फिर आपको जस्ट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा पाइथन, जावा या फिर नोट जेएस। आई एम जस्ट चूजिंग हियर द जावा। ओके, सो आफ्टर दैट हियर वी हैव द स्लॉट्स। ओके, यहाँ पे अभी अपने को अवेलेबल डेट्स मिल रहे हैं, स्लॉट्स मिल रहे हैं कि आप टेस्ट कब कब दे सकते हैं। ओके, सो चूज हियर द स्लॉट्स वेयर वेन एवर यू वॉन्ट हैव द टाइम। ओके, सो आई एम चूजिंग हियर द 18th ऑफ सेप्टेम्बर 2021। ओके,
एंड अगर आपको टाइम नहीं तो फिर आप यहाँ से भी टाइम चूज कर सकते हैं। ओके गाइस, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस एंड सिलेक्ट फॉर द टेस्ट एंड आफ्टर दैट हियर वी आर नाउ। हियर यू हैव टू जस्ट स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। दिस इज द वीडियो फॉर द रेफरेंस पर्पज। इफ यू वॉन्ट टू गिव द टेस्ट देन देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो। ओके, हियर द वीडियो टाइप इज अ रिज्यूमे टाइप। आपको जस्ट यहाँ पे रिज्यूमे टाइप वीडियो अपलोड करना होगा जिसमें आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। डैट इज वो यू आर, आप कौन है, आपका नाम क्या है। डैट्स ऑल, दिस इज द बेसिक थिंग्स यार। आफ्टर दैट टॉक अबाउट योर जर्नी। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग एंड द लास्ट थिंग इज दैट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर करियर। ओके, आपके बारे में थोड़ा करियर के बारे में और आपके बारे में खुद के बारे में आपको जस्ट यहाँ पे बताना होगा एंड डैट्स ऑल। ये तीन चीज़ें अगर आपने बता दी तो फिर आप डायरेक्टली रिज्यूमे और वीडियो डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दो और डायरेक्टली वो कंपनी जो आपको सीधे सीधे कॉल करेंगी, कांटेक्ट करेंगी, आपको सीधे सीधे एक बार टेस्ट देनी है और टेस्ट देने के बाद आपको डायरेक्टली कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। ओके गाइस, जस्ट गो एंड गिव द टेस्ट एंड इफ यू वांट डिटेल नॉलेज अबाउट दिस मीन्स अगर आपको जानना है कि एग्जाम में कौन सी चीज़ें रहेंगी, क्या क्या रहेंगी, क्या क्या नहीं रहेंगी। सो आफ्टर ऑल गाइस, लेट मी सी यू। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट इज यू हैव 0 to 3 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ओके, अगर आपको 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप जॉब के तो फिर आप यहाँ पे टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यू शुड बी अबोव द एज ऑफ 18। ओके, अगर आप 18 साल के ऊपर तो फिर आप ये टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर द योर फर्स्ट जॉब और अ न्यू जॉब। अगर आप फ्रेशर हो तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द क्राइटेरिया एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ ब्राउचर। आपको यहाँ पे ब्राउचर मिलेगा, ब्राउचर में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको टेस्ट में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बस यहाँ पे ब्राउचर डाउनलोड करना है। ब्राउचर डाउनलोड करने के बाद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जस्ट आपको पढ़नी है एक बार और ऑन द बेसिस ऑफ द ब्राउचर यू कैन गिव द टेस्ट। ओके, सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, जस्ट द रिलेवेंट वेबसाइट एंड जस्ट बुक द स्लॉट्स एंड गिव द टेस्ट एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेवल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।